ये होने वाली है अम्ब्रेला और मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगा अपने व्यूअर्स को, जिसमें पूरा पीसी ही कवर हो जाएगा दोस्तों, आप भी देख सकते हो। तो वेलकम बैक टू केवीआर गेमिंग सिस्टम। तो दोस्तों जो आज हमने पीसी बिल्ड किया है वो किया है एमडी बेस्ड, और जो प्रोसेसर होने वाला है और जो कार्ड, मतलब सारी चीज़ों की बात करें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छे ब्रांड की यूज़ की हमने। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर जो होने वाला है राइजन 9 7900X अनलॉक प्रोसेसर है, और उसके साथ हमने मदरबोर्ड यूज़ किया हुआ है गीगाबाइट का B760M गेमिंग X AX 4 RAM स्लॉट के साथ होता है मदरबोर्ड। काफ़ी अच्छी हीटसिंग रहती है इसमें और कूलिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा बोर्ड है। अब बात करेंगे ग्राफिक कार्ड की। तो जो ग्राफिक कार्ड दोस्तों होने वाला है वो होने वाला है गीगाबाइट ब्रांड का RTX 4070 Ti सुपर ग्राफिक कार्ड है। 16 GB का ग्राफिक कार्ड होता है ये। अब बात करेंगे पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी ब्रांड की है, MSI की है, 850 गोल्ड है और काफ़ी बेहतरीन है, और PCIe 5.0 रेडी है। जो लेटेस्ट कार्ड हैं उनमें डायरेक्ट केबल जो लग जाती है दोस्तों। जैसे मैंने बताया शुरू में, आपको बताया था कि जो प्रोसेसर है अनलॉक है एक्स सीरीज का प्रोसेसर, काफ़ी हीट करता है, तो उसके लिए भाई ने डीप कूल का एक बहुत ही अच्छा लिक्विड कूलर यूज़ किया हुआ है, जिसके मॉडल की बात करें तो LA720SE ब्लैक एडिशन है, काफ़ी अच्छा है। और एंटी लीक होता है भाई, जैसे कोई अगर कुछ डैमेज होता है तो इसकी वारंटी कवर होती है, अदरवाइज और जो लिक्विड कूलर है उसमें कवर नहीं होती। तो अब बात करेंगे कैबिनेट की। तो कैबिनेट लेटेस्ट अभी आया है, सर्कल ब्रांड का है, और मॉडल की बात करें तो डिफेंडर मॉडल है, और फ़ैन जो होते हैं इसमें आप देख ही सकते हो, 3 फ़ैन साइड में और एक बैक साइड में, 4 फ़ैन इंक्लूड होते हैं इसमें। अब बात करेंगे रैम की। तो दोस्तों जो रैम यूज़ की हुई है, रैम भी काफ़ी अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी रैम यूज़ की हुई है, प्रेडेटर की है। आपने देखा होगा अभी हमने XPG और कॉर्सेयर और डेल्टा सीरीज की, तो आप देख सकते हो अभी ये, और लेटेंसी वगैरह काफ़ी अच्छी है। CL30 है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैम होती है। और बात करेंगे मेगाहर्ट्ज़ की और कितने GB की, तो 16x2 रैम है ये, और मेगाहर्ट्ज़ की बात करें तो 6000 है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि जो SSD यूज़ की है भाई ने, वो है XPG S70 ब्लेड 2TB की SSD है। तो रीड एंड राइट की बात करें तो 7400 थी इसकी स्पीड। और अब बात करते हैं मॉनिटर। तो फाइनली दोस्तों भाई ने जो मॉनिटर लिया है, कर्व मॉनिटर लिया है गीगाबाइट का, और मॉडल आप देख सकते हो G32QC, और स्पेक की बात करें तो 165 Hz है। जैसे गेमिंग अच्छी लेवल पे की गेमिंग करनी है तो हर्ट्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, 2K करना है तो 2K ऑलरेडी है मॉनिटर, और एडिटिंग की बात करेंगे नहीं क्योंकि एडिटिंग के लिए चाहिए होता है IPS पैनल, बाकी बेसिक एडिटिंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो आपने देखा होगा जो मैं गिफ्ट देता हूँ, कभी माउस पैड दे दिया, कभी कीबोर्ड दे दिया, और काफ़ी चीज़ें देता था। तो आज थोड़ा हट के है, जैसे भी बाहर का वेदर चल रहा है, काफ़ी गर्मी है जैसे, तो हमने दिया है भाई को एक अम्ब्रेला, काफ़ी बिग साइज की है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये होने वाली है अम्ब्रेला, और मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगा अपने व्यूअर्स को, जिसमें पूरा पीसी ही कवर हो जाएगा दोस्तों, आप भी देख सकते हो। दोस्तों अभी मॉनिटर वहाँ रखा नहीं, तो वो भी कवर कर देता, बाकी देख सकते हो आप। पूरे पीसी का प्राइस तो बताओ भाई। पीसी का जो रेट होने वाला है वो हो गया है 1,98,000 होने वाला है। बाकी भाई थोड़ा गर्मी चल रही थी इसलिए मैंने छाता खोल के आपको दिखा दिया। तो दोस्तों जैसे काफ़ी गर्मी चल रही है, तो मैं अपने व्यूवर से बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दे, जो रेड कलर का दिख ही रहा होगा दोस्तों, उस पर क्लिक कर दो, ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालते हैं डायरेक्ट आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों अभी जो हमारी न्यू शॉप ओपन होने वाली है, आप देख सकते हो पूरा सामान इधर से उधर हुआ पड़ा है। तो अभी हो सकता है कि जो मे बी जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम हो सकता है मिलेंगे आपको नई शॉप पे। जो हमारी शॉप का न्यू शॉप का जो एड्रेस होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है 102 बजाज हाउस, बिल्डिंग नंबर 97, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली।